जब टमाटर की महंगाई पर सुधीर चौधरी ने सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने तिहाड़ जेल वाला इतिहास याद दिला दिया। लेकिन स्मृति ईरानी के सत्ता वाले अहंकार का सामना करने वाले सुधीर चौधरी अकेले एंकर नहीं हैं। सुधीर चौधरी के अलावा नाविका कुमार को भी स्मृति ईरानी की घमंड वाली भाषा शैली के दर्शन हो गए। जब नाविका कुमार ने सवाल पूछा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा भूचाली ऐलान किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो पहले से भी ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव होगा आपके खिलाफ? नाविका कुमार के सवाल को दुस्साहस बताते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, पहली बात तो ये है कि आप मेरी उम्मीदवारी तय करने का दुस्साहस कर रही हैं। अजय राय या राहुल गांधी ऐसा ऐलान कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं और मैं बीजेपी की सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। यानी एक साधारण से सवाल को स्मृति ईरानी ने नाविका कुमार का दुस्साहस बता दिया। नाविका कुमार ने जब ये पूछा कि हो सकता है राहुल गांधी ने साधारण तौर पर एक जेस्चर के तौर पर फ्लाइंग किस दिया हो, लेकिन आपने बड़ा मुद्दा बना दिया, तो स्मृति ईरानी ने कहा, क्या हम लाइव हैं? आप एक प्रोफेशनल एंकर हैं और यहाँ टीवी स्टूडियो में 7 पुरुष हैं। अगर नाविका कुमार की तरफ कोई ऐसा इशारा करेगा तो क्या चलेगा? यानी राहुल गांधी के सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस को स्मृति ईरानी ने सिर्फ महिला सांसदों की तरफ मान लिया है, इसीलिए पत्रकारों के साधारण सवाल पर भी सिर्फ महिलाओं के मान सम्मान पर बात को ले जाती हैं। जब अमेठी में सड़क पर रिपोर्टर के सवाल से लेकर टीवी स्टूडियो में चैनल एडिटर के सवाल तक स्मृति ईरानी को दुस्साहस लगने लगे हैं, तो ऐसे में नाविका कुमार से लेकर सुधीर चौधरी तक बस इतना बोल पाते हैं कि मैडम थोड़ी सहनशीलता लेकर आइए, इतना बुरा मत माना करिए। आप मीडिया की ऐसी बेबसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।